हिजाब मामले पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा इस केस का परीक्षा से नहीं कोई वास्ता, स्कूल यूनिफॉर्म का करना होगा हाल में पालन। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की बीमारमी के प्रमुख चंद्रशेखर से मुलाकात, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर, दोनों ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। योगी आज चुने जाएंगे विधायक दल के नेता, पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे लखनऊ, कल होगा शपथ ग्रहण। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जारी, 51 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का रियल टेस्ट, सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली छात्राओं के याचिका खारिज किए जाने के बाद कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस पर कर्नाटक की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था जो छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं होंगी उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसको लेकर लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में होंगे, जहां उनकी उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई थी, जिसमें यूपी में कैबिनेट मंत्री के नामों को लेकर चर्चाएं हुई। बता दें कि लखनऊ में लोक भवन में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी को आधिकारिक तौर पर नेता चुना जाएगा, जिसके बाद कल योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम बड़े चेहरों को इस समारोह में शामिल किए जाने को लेकर न्योता भेजा जा चुका है। पिछले सरकार में ही सीएम योगी ने वादा किया था कि वो यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी बना लिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इन्विटेशन भेजा है। बता दें कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घराने की उपस्थिति रहने वाली है, यानी कि बड़े चेहरे, बड़े बिजनेसमैन इसमें शामिल रहेंगे। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात दिल्ली में हुई। जयंत और चंद्रशेखर ने इसकी तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। जयंत ने इसे सामाजिक बातचीत बताया और कहा कि उन्होंने राजस्थान के पाली में दलित की हत्या, युवा सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को लेकर बात की है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी इस मुलाकात की दो तस्वीरें शेयर की। चंद्रशेखर ने लिखा कि आज दिल्ली में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के साथ मुलाकात हुई। राजस्थान के पाली में हुई विभत्स घटना मामले के साथ सामाजिक न्याय और देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चर्चा की है। तो आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई थी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के 51 लाख से ऊपर छात्र आज पहला एग्जाम दे रहे हैं। जो पहले पाली के छात्र थे वो एग्जाम दे चुके हैं, दूसरी पाली का एग्जाम अभी चल रहा है। छात्रों की सहूलियत के लिए स्पेशल बसें भी चलाई गई, जो उन्हें एग्जाम सेंटर तक फ्री में लेकर आई और लेकर भी जाएंगी। सबसे ज्यादा छात्रों वाले इस बोर्ड की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम पहले से ही किए जा चुके थे। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए केंद्रों पर सख्ती भी बरती जा रही है। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है, औचक निरीक्षण जो अधिकारी हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के थाना नानकमत्ता में दो दिन से लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां पर किशनपुर निवासी युवक दो दिन से लापता चल रहा था। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। छानबीन में पुलिस ने जानकारी दी कि युवक को दो युवतियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दो लड़कियां हैं, उनका नाम है तुम्हारा, उनका नाम तनुजा टमटा है, दूसरे का प्रियंका टमटा है। एक लड़के को यहाँ लेकर आए हैं मृत अवस्था में। इन दोनों लड़कियों का ये कहना है कि इसने फांसी खाई है। हम लोगों ने इसका पंचनामा भर दिया, पोस्टमार्टम में बॉडी भिजवाई है, अब इसकी जांच की जाएगी तो तथ्यों में विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। सर, डॉक्टर से कुछ बात हुआ? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई, पोस्टमार्टम के बाद ही इसमें निर्णय दिया जाएगा। तो हम फोन लगा रहे थे तो फोन इसका स्विच ऑफ बता रहे थे, जब हमने फ़ोन लगाया तो फोन घंटी जा रही, फ़ोन उठा नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद हम उसी रात में लड़का हमारा आया, छोटे वाला उसका भाई, कोई पता करता हूँ, रूम में जाके रूम में पता करने के लिए गया तो वहाँ पे उन लोगों के ताले लगे पड़े, और ताले लगे पड़े तो जिस टाइम लाश यहाँ थाने में पहुँची, यहाँ अस्पताल में पहुँची, तो हमारे को फ़ोन गया कि तुम्हारा उसको पैसा ले जाओ, लड़का जिंदा बच जाए। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर पीलीभीत में करीब 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए जिले के सभी 73 परीक्षा केंद्रों पर 73 स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेटों, 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट और इसके साथ ही 7 जोनल मजिस्ट्रेट लगाकर परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बना रखी है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी हर कक्ष की निगरानी की जा रही है। जनपद पीलीभीत में 73 केंद्रों पर परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और आज सुबह से ही जनपद को जिस हिसाब से सेक्टर और जोन में बांटा गया है, तो सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट लगातार केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी वहां पे मौजूद हैं। कंट्रोल रूम का मेरे द्वारा भ्रमण करा गया, देखा गया, यहाँ से प्रत्येक केंद्र के प्रत्येक कक्ष पर निगरानी रखी जा रही है। यहाँ एक मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, जिन कक्षों में भी थोड़ी सी इंटरनेट की स्पीड स्लो है उनको तत्काल यहीं से फ़ोन करके दुरुस्त कराया जा रहा है। और प्रशासन इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि आगे आने वाले दिनों में भी हर एक परीक्षा पे इतनी ही मुस्तैदी से नज़र रहेगी और परीक्षा को नकलहीन और सकुशल रूप से संपन्न कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। चंदौली के 94 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित की जा रही है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जिलाधिकारी संजीव कुमार सिंह, सकलडीहा एसडीएम अजय कुमार मिश्रा के साथ थाना अध्यक्ष और सुरक्षा कर्मी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। हर केंद्र पर बाहरी केंद्र व्यवस्थापक के साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। आज जनपद चंदौली में उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा आज से प्रारंभ हुई है। जो परीक्षा को नकल विहीन और स्वच्छतापूर्ण बनाने का शासन का निर्देश है, उसके अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाया गया है और जो पेपर रखने की व्यवस्था है वो डबल लॉक की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं जो लगातार भ्रमणशील हैं और बच्चों को किसी तरह की समस्या न हो, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। संभल में 70 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। हाई स्कूल में 24,000 से ज्यादा और इंटरमीडिएट में 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 70 स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा 70 केंद्र व्यवस्थापक और 64 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए गए हैं। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में कोना नदी में नाव पलट गई, जिसके चलते नाव में सवार 5 महिलाएं नदी में डूब गई, जिनमें से 3 महिलाओं ने तैरकर अपनी जान बचा ली, वहीं 2 महिलाएं अभी भी लापता बताई जा रही हैं। घटना के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई, स्थानीय लोग महिलाओं की तलाश में जुटे हुए हैं।
रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर एक युवती का शव मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने युवती के खुदकुशी करने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माय नेम इज हिमानी पाठक एंड आई क्वालिफाइड पीसीएस यूके पीसीएस 2012 एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर for cane and sugar department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta and I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना आईएएस पीसीएस का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव आईएएस इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून। मोबाइल नंबर 9319700579। प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर को पूर्वांचल के 9 जिलों के लाखों किसानों को एक बड़ी सौगात दी। नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण भी किया था। उस नहर पर खुदाई में शेष बचे कार्य को पूरा करना था, लेकिन 50 मीटर नहर के खुदाई कार्य में अधिकारी, कर्मचारी और न्यायिक विभाग आमने सामने आ गए। छपिया शुल्क गांव से होकर जा रही हरैया रजवाहा नहर खुदाई के विरोध में सुल्तानपुर में तैनात एडीजी मनोज कुमार शुक्ला रात में अपने खेत नहर खुदाई में जेसीबी के सामने लेट गए। ये ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा, जिसमें जिले के आला अधिकारी और जज साहब आमने सामने हो गए और जबरदस्ती खेत में नहर खुदाई करने का आरोप लगाते हुए देर रात तक जेसीबी के सामने लेटे रहे।
एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं बैठा हूँ एक न्यायिक अधिकारी के रूप में नहीं, मैं यहाँ अपने पुश्तैनी जमीन में हूँ। मेरे माता पिता हैं, मैं उनका एकमात्र पुत्र बचा हूँ, ठीक है। और ये मेरी जमीन यहाँ हम रहते नहीं, ये सब कब्जा कर ले रहे थे, और हमको मेरे भतीजे ने बताया कि चाचा इस तरह से हो रहा है। मैंने कहा बेटा हमने एक पैसा ग्रहण नहीं किया, हम लोगों ने कभी कब्जा नहीं दिया, ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं और ये लोग एक जो है अपराध कर रहे हैं जो नया एक्ट 2013 का भर इसमें जमीन के अधिग्रहण के संदर्भ में, तो ये लोग उसको जो है बिना जबरदस्ती पुलिस के बल पर, क्योंकि डीएम का आदेश है तो हम पुलिस वालों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस तो उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन डीएम ने जो आदेश किया है यह एक बेईमानीपूर्ण आदेश है, एक भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है। और डीएम का अब टेन्योर पूरा हो रहा है, योगी जी महाराज आ जाएंगे, उनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाएगा, चार सीट यहाँ से हार चुकी है जो देख ही रहे हैं, पूरी हो चुकी है, केवल यही पैच बचा हुआ था, और सबको मुआवजा दे चुके हैं, सब मुआवजा दे, कितने लोगों को, और अब इसमें कितने लगभग टोटल, लगभग 1,000-2,000 लोग को होंगे। केवल आपको, आपने नोटिस वोटिस दिया कि आप मुआवजा ले लीजिए? हाँ, इनको नोटिस भी गई है, इन्होंने आपत्ति भी दाखिल की थी जिसका अच्छा। जवाब भी गया है हमारे यहाँ से, अच्छा सब कुछ गया है, तो बिना फाइनल हुए उसको खुदवाने का नियम है आपके पास? अब यही हम लोग पे कब्जा है, आप किसके आदेश पर? ये SDM साहिबा और DM साहिबा कह रहे हैं। जौनपुर के बड़ियाहू थाना क्षेत्र के ताजुद्दीनपुर गांव में कुछ अराजक तत्वों ने अंबेडकर और बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी। वहीं मूर्ति तोड़ने की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों की तरफ से औरेला ताजुद्दीनपुर मार्ग जाम कर दिया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। संबल के बनियाठेर इलाके में नेहटा रोड के पास बदमाशों ने रोड रोककर राहगीरों से जमकर लूटपाट की। वहीं एक राहगीर ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। वहीं गोली लगने से राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ले चले भैया, क्या मामला हुआ सर? बदमाश थे तीन। हाँ, फिर हम आ रहे थे नेटा गांव से। हाँ, यहाँ हमने देखा तो एक खड़ा था सड़क पर टठियारा बांधा हुआ। हाँ, और एक बाइक और खड़ी थी, एक को लूटा था उन्होंने। तो हमने सोचा मैंने सिंगल होगा या डबल होगा तो हम निकल ही जाएंगे। तो हड़बड़ा गए हम भी लोग, हड़बड़ा के मोटरसाइकिल हमारी तिरछी हो गई, चढ़ गई एक मोटरसाइकिल, जब उसके चोट लगी या ना लगी, फिर हमारी मोटरसाइकिल दोबारा उठ गई, फिर बेदराम मोटरसाइकिल आगे बढ़ा ली। कितने लोग थे वो? वो तीन थे। कितने पे छीने आपसे? मेरे पास 8,000 रुपये करीब पड़े। आप कहाँ रहते हैं? कुछ लोग कुछ पैसे मेरे 500 हो गए। तो आप कहाँ रहते हैं? करेली रोड खुर्जा गेट। हरदोई में बोर्ड की परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। जिले में 134 केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं। इसी के साथ ही परीक्षा नकल विहीन हो को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर CCTV और वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं। जी वैसा परीक्षाएं तो शुरू हो गई हैं और बच्चे भी आए हैं, लेकिन थोड़ा यह है कि पहला दिन होने के नाते कहीं कहीं पर रूम नंबर ढूंढने से या अनुक्रमांक नंबर ढूंढने से बच्चों को दिक्कत आ रही है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि स्कूल प्रशासन से कि थोड़ा पहले दिन बच्चों के साथ सही तरीके से उनको रूम नंबर और ये ढूंढवा दिया जाए। औरैया के 70 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। परीक्षा को प्रशासन ने जिले को 4 जोन और 11 सेक्टर में बांटा है। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरों की निगरानी में परीक्षा हो रही है। इसके साथ ही 8 संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी की जा रही है।
बिजनौर के हिमपुर दीपा क्षेत्र में मामा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भांजे और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि भांजे ने प्रेम प्रसंग के चलते मामा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामा के भांजे की प्रेमिका को प्रेम जाल में फंसाने के चलते भांजे ने मामा की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमपुर दीपा के फतेहपुर कला गांव में 7 तारीख को गुड्डू ने अपने मामा सतपाल को गोली मारी। 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत था। एक व्यक्ति अज्ञात था। बाद में उसका नाम पता चला कि गुड्डू का दोस्त धीरज है। दौराने इलाज उसके मामा सतपाल की मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं मैं तमंचे के। 15,000 रुपये का इन पर पुरस्कार घोषित था। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि जिस लड़की से सुरेंद्र उर्फ गुड्डू का प्रेम था उसी से इनके मामा का भी बातचीत होने लगी थी। दोनों में इस बात को लेकर के अनमनस्कता टोका टाकी 302 तक की वारदात हो गई। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के मुख्य कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की भीड़ ने दो युवकों को लेकर चौकी के बाहर लिटा दिया और जबरदस्त नारेबाजी के साथ जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शाहपुर मंसूरपुर मार्ग पर थाने के पास अपनी भीड़ चला रहे थे। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने भीड़ चला रहे दोनों युवकों के साथ लाठी डंडों से सिर्फ इस कारण मारपीट की क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने भीड़ आ गई। आरोप है कि पुलिसकर्मी दोनों युवकों को अधमरी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद घायलों के परिजन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को उठाकर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कस्बे में स्थित पुलिस चौकी पर पहुंचे और शाहपुर बढ़ाना मार्ग को जाम कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ सीओ फुगना मौके पर पहुंचे जहां घंटों की कोशिश के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर भीड़ शांत हुई और दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम गाड़ी से भेड़ बचा रहे थे, खंभा रहा था, हमने हादसा दिया तो निकटते एकदम खिड़की खोलते लट बजा बहुत बुरी तरह झोटे की तरफ। किसने बजाया? पुलिस वालों ने। पुलिस वाले वर्दी पैर था, पैर बलियान में था, बहुत बुरी तरह बजा जी झोटे की तरह जी ऐसे झोटे के नहीं बजाते, बांस का लट था बहुत मोटा। इंसाफ चाहिए बस। आज शाहपुर में दो युवक पाल समाज के, इनको कुछ लोगों ने डंडों से मारा पीटा है। इनका ये कहना है कि साहब गाड़ी से 3 लोग आए थे और वो पुलिस वाले थे, लेकिन ये पहचान नहीं रहे हैं पुलिस वालों को। तो इनसे कहा गया है कि आप तहरीर लिख के दो, हम CCTV कैमरे और पूरी जांच करा लेंगे। अगर पुलिस वाले होंगे तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, पब्लिक वाले होंगे तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।